में बीते सप्ताह इलाज के लिए भर्ती हुए हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी की मौत के बाद हंगामा मच गया। उनकी मौत के बाद जागरण मंच के मालवा प्रांत के लोगों ने संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन दिया। लोगों ने अस्पताल के लापरवाह डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि गुरुवार को हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत के लोग संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एमटीएच हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्स पर कई तरह गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने संभाग आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन भी दिया। बता दें कि ज्ञापन देने वाले लोगों का कहना था कि एमटीएच हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स और नर्स की लापरवाही से हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत के पदाधिकारी कृष्णा सिंह की मौत हुई है। सभी लापरवाहों को सजा दिलवाने के लिए उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए आज वह संभाग आयुक्त कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे हैं। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत और इंदौर विभाग सम्मिलित रूप से यहाँ संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपने आया है, जिसके तहत हमारे एक कार्यकर्ता श्री कृष्णा सिंह जी, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। एमटीएच हॉस्पिटल के अंदर कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनको भर्ती किया गया था, लेकिन वहाँ घोर लापरवाही के वो शिकार हुए, जिसके तहत डेढ़ दिन बाद उनका इलाज वहाँ पर प्रारंभ किया गया। उनकी हालत बिगड़ती गई। उनके और संगठन के लाख कहने के बावजूद वहाँ पर अस्पताल वालों ने उसकी पूरी समुचित चिकित्सक पूरी सेवाएं नहीं दी और जिसके कारण उनको मृत्यु प्राप्त हुई। उसके बाद हमें यह बताया गया कि साहब उन्हें मृत्यु आई है हार्ट अटैक से, जो भी विरोधाभासी है, क्योंकि हमारे पास में ये रिपोर्ट है जिसके अंदर वो कोरोना पॉजिटिव थे। उसके बाद हाथ से काट के इस रिपोर्ट को उन्होंने नेगेटिव कर दी गई। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा संदेह को उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में हम अपने कलेक्टर महोदय मनीष सिंह साहब से भी मिल चुके हैं, संभाग आयुक्त को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर राज्यपाल, और यहाँ तक हमको जाना पड़ा तो प्रधानमंत्री तक हम इस चीज़ को लेके जाएंगे। WHO के अंदर भी हमने इसकी लेटर दिया है, शिकायत करी है कि किस प्रकार की लापरवाही यहाँ पर कारक हो रही है, इसके ऊपर बहुत ज़रूरी तरीके से ध्यान दिया जाए और जितने भी दोषी हैं उन सभी लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। व्यक्ति तो चला गया है, लेकिन आगे किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना दुर्घटना न घटित हो, इसलिए हिंदू जागरण मंच आज यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहा है। मैं पंडित राजपाल जोशी, प्रांत प्रचार प्रमुख हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत। जिनकी मौत हुई है क्या पदाधिकारी थे? ये कृष्णा सिंह जी हमारे रामेश्वर जिला के संपर्क प्रमुख थे। एक बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता थे, समाज और संगठन के लिए लगे रहते थे। 35 वर्ष की अल्प आयु थी, छोटे छोटे बच्चे और परिवार को छोड़कर आकस्मिक रूप से चले गए। अभी कोरोना योद्धा और कोरोना योद्धा भी थे। कोरोना काल में संघ की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी और खुद के आप जिला प्रशासन के पास गए थे, क्या आश्वासन दिया था कि हम इसकी समुचित कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर पूरी जांच बिठाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे मन लायक न कोई कार्रवाई हुई है, न ऐसा कुछ हमें आगे कुछ दिख रहा है, इसलिए हम चरणबद्ध तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हमको टीस है, हमको दुख है, हमारा आदमी गया है और कोई और ना जाए, इसके लिए हम यहाँ प्रयासरत हैं। आश्वासन दिया था कि हम इसकी समुचित कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर पूरी जांच बिठाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे मन लायक न कोई कार्रवाई हुई है, न ऐसा कुछ हमें आगे कुछ दिख रहा है, इसलिए हम चरणबद्ध तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हमको टीस है, हमको दुख है, हमारा आदमी गया है और कोई और ना जाए, इसके लिए हम यहाँ प्रयासरत हैं।